हेलो एवरीवन वेलकम बैक सो इन दिस लेक्चर वी विल बी लर्निंग अबाउट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं इसमें हम हाउ टू कैलकुलेट ए सीखने वाले हैं तो इफ यू रिमेंबर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कैपिटल बजटिंग के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड तो ट्रेडिशनल मेथड की अगर बात करें तो वी हैव पे पीरियड मेथड and the another is called as annual rate of return or average rate of return which is also called as ARR. or modern और ki baat की बात करें तो that is considering the time value of money usme मनी उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीखते हैं जैसे कि एन है नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ए तो ए कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे फिर धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ेंगे तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से इसका पीडीएफ में नीचे अपलोड कर रहा हूं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं द कॉस्ट ऑफ मशीनरी ए इज टेन लैक्स एंड कॉस्ट ऑफ मशीनरी बी इज ट्वेंटी लैक्स डेप्रीसी अप्लाइड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड विद नो सेलवेज वैल्यू तो दो मशीन से हमारे पास मशीन ए जो है उसकी वैल्यू है टेन लाख रुपीस और मशीन बी जो है उसकी वैल्यू है ट्वेंटी लाख रुपीस तो मशीन ए के लिए आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया है फाइव ईयर्स का इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल वी हैव नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन फॉर मशीन ए एंड वी हैव नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर मशीन बी यहाँ पे मशीन बी है तो मशीन ए का और मशीन बी का वैल्यूज आपको दिया है ऑल द वैल्यूज आर गिवन टू यू कैलकुलेट ए आर आर एंड सजेस्ट द बेस्ट मशीन एज पर दर तो हमको ए आर आर करना है और इनमें से ये दो मशीन में से कंपनी के लिए सबसे बेस्ट मशीन कौन सी रहेगी वो हमें सॉल्व करना है ठीक है तो सबसे पहले इफ यू रिमेंबर हमने ए के बारे में पढ़ा था ए का फुल फॉर्म एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न तो ए के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था इफ यू रिमेंबर एंड द फॉर्मूला इज एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है फॉर्मूला एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू हंड्रेड यह आपका फॉर्मूला बनेगा तो एवरेज एनपीएटी एनपीए टी कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइव लैक्स सिक्स लैक्स सेवन लैक्स एट लैक्स एंड सेवन लैक्स ये आपके सो दिस इज दाइव इर्स इंफॉर्मेशन एंड दिस इज दी फाइव इन इंफॉर्मेशन फॉर मशीन बी तो हमें इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमको इसका एवरेज ढूंढना पड़ेगा देखो किस तरीके से करना है तो ध्यान से देखो फॉर्मूला भी मैंने लिखा है ए आर आर इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट तो फॉर्मूला क्या है अभी हमने सीखा एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ये हमारा फॉर्मूला है तो सबसे पहले हम मशीन ए का एवरेज एनपीएटी ढूंढ लेंगे काफी सिंपल है सो so, हमारे पास फाइव ईयर्स का इंफॉर्मेशन देखो ये फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर ये थर्ड ईयर ये फोर्थ ईयर ये फिफ्थ ईयर अगर हम ये सभी ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड कर लेंगे और उसको अगर हम फाइव से डिवाइड करेंगे कैसे फाइव आया साल का प्रॉफिट हमको दिया है फाइव ईयर्स का प्रॉफिट हमको दिया है तो टोटल जितने भी प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल है उन सभी प्रॉफिट्स को आपको क्या करना है इन सभी प्रॉफिट्स को ऐड करना है मशीन ए के लिए और उसको हम फाइव ईयर्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे अगर सिक्स ईयर्स का प्रॉफिट दिया है तो सिक्स ईयर्स से डिवाइड करेंगे ट्री ईयर्स का प्रॉफिट दिया है तो थ्री ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ऑल द प्रॉफिट्स एड इट डिवाइड बाई द रेस्पेक्टिव इस गॉट दिस आंसर ये हमको मिल गया दैट इज वॉट एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको मिल गया है एंड दैट इज दिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है एवरेज इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम लेंगे जैसे इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि मशीन की वैल्यू तो ओपनिंग और क्लोजिंग फिलहाल यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है तो हमारे पहले मशीन की वैल्यू देखो हमारे पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी हमारे पहले मशीन की वैल्यू आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में दिया था कि मशीन ए की वैल्यू है टेन लैक्स और मशीन बी की वैल्यू है ट्वेंटी लैक्स तो मशीन ए की वैल्यू कितनी है टेन लैक्स तो काफी सिंपल है देखो ए कैसे कैलकुलेट होगा ए इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कितना हमें मिला आंसर सिक्स लैक्स सिक्सटी थाउजेंड इज द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब मशीन का कॉस्ट मशीन का कॉस्ट कितना आया टेन लैक्स इंटू हंड्रेड बिकॉज ए आर आर हमें परसेंटेज में मिलता है तो सिक्स लैक्स सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन लैक्स गेट दी आंसर है यहां पे मैंने सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया सिमिलरली हमको मशीन बी का भी सॉल्व करना है तो मशीन बी का भी देखो मशीन बी के भी सारे ईयर्स के प्रॉफिट लिए वी हैव द सेम ईयर्स प्रॉफिट फाइव ईयर सिर्फ यहाँ पे अमाउंट्स अलग है तो ट्वेल्व लैक्स प्लस ट्वेल्व लैक्स प्लस फिफ्टीन लैक्स प्लस सिक्सटीन लैक्स प्लस फिफ्टीन लैक्स डिवाइडेड बाय फाइव ईयर्स तो हमको यहाँ पे मिल गया फोर्टीन लैक्स दैट इज वॉट एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला सिमिलरली अभी हम इसको सॉल्व करेंगे एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिला फोर्टीन लैक्स डिवाइडेड बाय और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या हमारी जो वैल्यू है मशीन की बी की कितनी है ट्वेंटी लैक्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो फोर्टीन लैक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी लैक्स अगर हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा सेवेंटी परसेंट अब ध्यान से सुनना काफी इंपॉर्टेंट है अब कंपनी के पास दो मशीन्स हैं दोनों के लिए हमने ए कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट का ए हमें आया है सिक्सटी सिक्स परसेंट और सेकेंड का ए हमारे पास आया है सेवेंटी जेशन टू द कंपनी की एज पर दंसेप्ट ऑफ ए आर आर विच विल बी द प्रॉफिटेबल मशीन फॉर द कंपनी वेदर द कंपनी शुड सिलेक्ट मशीन ए विच हैज एन ए आर आर ऑफ सिक्सटी सिक्स परसेंट और वेदर इट शुड गो फॉर मशीन बी विच हैज एन ए आर आर ऑफ सेवेंटी परसेंट तो सिप से सिंपल रूल बता दो तो आपको जो ए आर आर है इसमें आपको याद रखना है हाईर का कंसेप्ट बड़ा वैल्यू जो है वो हाइयर होनी चाहिए तो अगर हम मशीन ए और मशीन बी को कंपेयर करें तो मशीन ए का जो ए आर आर है दैट इज सिक्सटी सिक्स परसेंट एंड मशीन बी का जो ए आर आर है दैट इज सेवेंटी परसेंट तो विच ए आर आर एमोंग द टू इज हाइयर तो इफ यू सी दिस सेवेंटी परसेंट ए आर आर इज हाइयर तो मशीन बी जो रहेगा दैट इज कंफर्टेबल दैट इज फेवरेबल फॉर द कंपनी बिकॉज द ए आर आर इज हाइयर तो आप कंक्लूजन कैसे लिख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ ए आर आर मशीन बी विल बी प्रॉफिटेबल सिंस दी ए आर आर इज सेवेंटी परसेंट मोर एज कम्पेयर टू मशीन ए तो मशीन ए से मशीन बी का जो ए आर आर है वो ज्यादा है इसलिए मशीन बी जो है वो कंपनी के लिए अच्छी मशीन मानी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ए आर आर ठीक है और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उसके बेसिस पे जजमेंट अलग आएगा लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ए आर आर सीख रहे हैं तो ए आर आर के बेसिस पे आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो सबसे अच्छा मशीन कौन सा माना जाएगा जिसका ए आर हाइयर है दूसरे मशीन्स के कंपैरिजन से तो यही था इसका कैलकुलेशन ए का काफ़ी सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लिया है आई होप दिस कैलकुलेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो नेक्स्ट लेक्चर में यही क्वेश्चन के साथ हम पे पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बाय बाय टेक केयर